पिक्सल लैब में फॉन्ट्स कैसे ऐड करें। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन में फॉन्ट्स किस तरह से ऐड कर पाओगे। जैसे कि दोस्तों स्क्रीन में आप देख सकते हो, यहां पर मैं कितना सारा फॉन्ट्स यहां पर ऐड करके रखा हूं, हिंदी भी फॉन्ट्स ऐड करके रखा हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो इंग्लिश भी फॉन्ट्स ऐड करके रखा हूँ। और चाहोगे दोस्तों तो आप यहाँ पर कोई भी मतलब लैंग्वेज का फॉन्ट्स ऐड कर पाओगे, जैसे बंगाली होता है और भी कई सारे फॉन्ट्स होता है जिसे यहाँ पर ऐड कर पाओगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग कंप्लीटली बताने वाला हूं कि पिक्सल लैब एप्लीकेशन में आप किस तरह से यहां पर फॉन्ट्स को ऐड कर पाओगे। दोस्तों सबसे पहले तो मैं यहां पर जितना मेरा फॉन्ट्स है ऐड किया हुआ सारा को मैं यहां पर डिलीट कर देता हूं। उसके बाद जो है मैं आपको यहां पर फॉन्ट्स ऐड करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले तो इसको यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यहाँ पर सारा फॉन्ट्स को डिलीट कर दिया हूँ। अब दोस्तों बारी आता है कि यहाँ पर फॉन्ट्स किस तरह से ऐड करूँ। दोस्तों उसके लिए आपको सबसे पहले आपको यहाँ से बैक चले आना है। बैक आने के बाद आपको अपने गूगल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। गूगल एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद सिंपल से आपको यहाँ पर सर्च करना है FONTS और यहाँ पर आपको फॉन्ट्स लिख के आपको यहाँ पर सर्च कर देना है। एंड यहाँ पर आपको जो भी फॉन्ट चाहिए उस फॉन्ट को सिंपल से आपको यहाँ पर डाउनलोड करना होगा। तो उससे पहले आपको यहाँ पर फॉन्ट सर्च करने के पहले आपको यहाँ पर पिक्सल लैब फॉन्ट सर्च करना है। जैसे यहाँ पर तो मैं यहाँ पर पिक्सल लैब यहाँ पर फॉन्ट जो है यहाँ सर्च कर देता हूँ। और जैसे यहाँ पिक्सल लैब फॉन्ट्स डाउनलोड यहाँ पर आप सर्च करोगे आपके सामने सबसे फर्स्ट में वेबसाइट आएगा, उसके ऊपर क्लिक कर लेना। नहीं तो आपको यहाँ पर और भी सारा बहुत सारा वेबसाइट दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आपके सामने यहाँ पर ढेर सारा फॉन्ट्स जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो भी फॉन्ट्स आपको अच्छा लगेगा उस फॉन्ट्स को आपको क्या करना है उसके ऊपर साइड में उसके साइड ही आपको यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल से आपको क्या करना है, यहाँ पर डाउनलोड करने के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि आप दोस्तों मैं इसको डाउनलोड करना चाहते हो, यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर दिया हूँ। यहाँ पर दोस्तों मेरा डाउनलोड हो चुका है। अब डाउनलोड होने के बाद आपको यहाँ से बैक चले आना है। बैक आने के बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके नीचे जाना है, अपने फाइल मैनेजर एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है। मैं अपने फाइल मैनेजर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूँ। अब आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे जाना है एंड यहाँ पर आपको दिखाई देगा जो है आप जो यहाँ पर डाउनलोड किए हैं वो यहाँ पर आपको शो करेगा। जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पर डाउनलोड किया था वो वाला यहाँ पर शो कर रहा है सबसे ऊपर में। यहाँ पर आप देख सकते हो आपके मोबाइल में अगर ऊपर में शो नहीं कर रहा है तो कहाँ शो कर रहा है उसको आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। सिंपल से यहाँ पर आने के बाद आपको इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है एक्सट्रैक्ट ऑल के ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है और उसका नाम को आपको यहाँ पर पढ़ के रखना है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो उसका नाम क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लेमन मिल्क। सिंपल से आपको इसको पढ़ के रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑल के ऊपर क्लिक कर देना है। एक्सट्रैक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर में जो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जो यहाँ पर ये फाइल जो है एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, जितना फॉन्ट्स है सारा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। आपको यहाँ से बैक चलाना है और फिर से आपको अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। वहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है न्यू टेक्स्ट या फिर कुछ भी लिखा हुआ रहेगा आपको मोबाइल में उसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करके यहाँ पर साइड आना है एंड यहाँ पर आपको एक फॉन्ट्स का ऑप्शन दिखाई देगा, डबल मतलब AB का ऑप्शन, इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पर माय फॉन्ट्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो, इन दोनों में से किसी एक ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब आपको डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। डाउनलोड के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आप जो वहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया था उसको आपको यहाँ पर ढूंढ लेना है। जैसे कि आप दोस्तों मैं यहाँ पर उसका फाइल का नाम क्या था, लेमन मिल्क। सिंपल से आपको इस फाइल के ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। फाइल के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे सिंपल से आपको यहाँ पर ऐड डायरेक्टरी के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आप देख सकते हो सारा फॉन्ट्स जो यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब जिस भी फॉन्ट्स को आप लेना चाहते हो उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है एंड आपको यहाँ पर ओके कर देना है। और फ्रेंड्स कुछ इसी प्रकार से जो आप पिक्सल लैब एप्लीकेशन में फॉन्ट्स को ऐड कर पाओगे, हिंदी हो, बंगाली हो या फिर अंग्रेजी हो, सारा फॉन्ट्स को आप यहाँ पर ऐड कर पाओगे। अब दोस्तों बारी आता है कि बहुत सारे बंदे को यहाँ पर क्या करता है, फॉन्ट्स ऐड करने के लिए जाता है तो यहाँ पर जो है कुछ एरर बताता है, उसका फॉन्ट्स ऐड नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपके पिक्सल लैब में फॉन्ट्स ऐड नहीं हो रहा है तो उसका कारण क्या है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को आपको एक बार जरूर देखना है क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद जो है आपका पिक्सल लैब एप्लीकेशन में जो सेटिंग है वो सारा सेटिंग का समाधान आप कर पाओगे और आप भी अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन में फॉन्ट्स ऐड कर पाओगे, वो भी कस्टम फॉन्ट्स। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को एक लाइक करना और साथ में हमारे चैनल जो टेक्निकल यादगार है इसको सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि इस चैनल में आपको जेन्युइन ट्रिक और जेन्युइन तरीके से बताया जाता है। दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।